गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रहा एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जो इंडिया में कभी बनाया नहीं गया और हमारी देश की शिपिंग लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए किस तरीके से प्रोजेक्ट मदद करेगा वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तीन चीजें इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इस मैरीटाइम क्लस्टर के बारे में। पहला ये कि मैरीटाइम क्लस्टर होता क्या है, दूसरी चीज कैसे ये बनाया जाएगा, कैसा इसका एग्जीक्यूशन होगा और लास्टली इसका फायदा क्या पहुंचेगा गुजरात और पूरे देश को। मैरीटाइम यानी सी, रिवर्स, वाटरवेज, ये सारी चीजें मैरीटाइम के अंदर आती है और क्लस्टर यानी सिमिलर चीजों का ग्रुप, यानी रिवर्स, वाटरवेज, सी पोर्ट्स, इन सारी चीजों से जुड़े हुए बिजनेस या एंटिटीज के ग्रुप को मैरीटाइम क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में सिंगापुर, ओस्लो, लंदन, दुबई, शंघाई, इन जैसे कई जगहों पर मैरीटाइम क्लस्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पर शिपिंग लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए सारे बिजनेसेस एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन इंडिया में इस तरीके का कोई प्रॉपर मैरीटाइम क्लस्टर आज तक नहीं बनाया गया और इस तरीके का क्लस्टर न होने के कारण इंडिया में कोई भी मेजर पोर्ट आज तक सच में डेवलप नहीं हो पाया है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो आज इंडिया में एक जगह पर सारी की सारी मैरीटाइम इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं है। इसी कारण टाटा, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, इन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जो शिपिंग में डील करती है और हमारे देश के शिपिंग का बहुत बड़ा भाग भी है, वो अपने कई सारे नीड्स बाहरी कंपनीज को आउटसोर्स कर देती है, जिसके अंदर टाटा बिरला जैसी कंपनीज दुबई में अपने चार्टरिंग के काम देती है, अडानी ग्रुप मुंबई से कुछ काम कराती है, कुछ काम वो सिंगापुर से कराती है और इसी कारण पूरा का पूरा फायदा ना देश को मिल पाता है और साथ साथ कंपनीज के भी रिसोर्सेस, पैसे, समय, इन सारी चीजों में वेस्टेज हमें देखने के लिए मिलता है। इसी कारण साबर नदी के पास में बने हुए गिफ्ट सिटी में डिसाइड किया गया कि एक नया मैरीटाइम क्लस्टर बनाया जाएगा और 2015 में इसे अप्रूवल दिया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो गिफ्ट सिटी का ये एक भाग है, वहां पर इनके ऑफिसेस के लिए चीजें सेटअप की जाएगी, ऐसा डिसाइड किया गया। अगर इन सारी अलग अलग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग बिजनेस, बंकर सप्लाई, शिप ब्रोकरिंग, ट्रेड यूनियंस, चार्टरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, लोडिंग अनलोडिंग बिजनेसेस, इन सारी बॉडी को एक छत के नीचे ले आने के लिए प्रयास शुरू हो गए और इस साल के अंत तक ये सारी की सारी चीजें शुरू हो जाएगी, ऐसी उम्मीद जताई गई है, जिस पर काम बहुत ज्यादा तेजी से जारी है। अब इसका फायदा क्या है उसकी बात करते हैं। कुछ बिजनेसेस हमारे देश में सही मैरीटाइम इकोसिस्टम न होने के कारण फॉरेन में शिफ्ट हो चुके हैं पिछले कई सारे सालों से, उन्हें फिर से इंडिया में ले आने के लिए ये मैरीटाइम क्लस्टर बहुत ज्यादा मदद करेगा। गुजरात देश का 40% फ्रेट कार्गो हैंडल करता है, इसी कारण ये एक परफेक्ट जगह है ना सिर्फ मैरीटाइम क्लस्टर सेटअप करने के लिए, लेकिन इससे जुड़े हुए कई सारी चीजों को और यहाँ पर एक्सपांड करने के लिए। जैसे मैरीटाइम इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में टाइम और कई सारी दूसरी चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी सेटअप की जाने वाली है, जिसके अंतर्गत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी बनेगी जो मैरीटाइम इंडस्ट्री में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से हमारे देश में बिजनेसेस और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के लिए अलग कोर्ट्स बनाए गए हैं, उसी तरीके के मैरीटाइम इंडस्ट्री में कई सारे डिस्प्यूट्स जो आए दिन होते रहते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल अथॉरिटी होगी और साथ साथ इस मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के कारण कई सारे एम्प्लॉयज और वर्कफोर्स जो इन सारी चीजों में नॉलेज रखती होगी उन्हें इकट्ठा करने में भी सारे बिजनेस को दिक्कत नहीं आएगी। और इसी मैरीटाइम क्लस्टर में बना होगा हमारे देश का सबसे बड़ा डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग का ऑफिस, जिसके कारण आप कह सकते हो कि पूरे देश की शिपिंग पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी और कई सारे फॉरेन और इंडियन पोर्ट्स में डील करने वाले बिजनेसेस एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे कई सारे फायदों के कारण, ऐसा इस क्लस्टर के कारण हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है और मोस्ट लाइकली एक्चुअल में हो जाएगा क्योंकि बिजनेस ने ऑलरेडी इस मैरीटाइम क्लस्टर में अपने ऑफिसेस शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो बेसिकली इस मैरीटाइम क्लस्टर के कारण देश की लॉजिस्टिक्स और शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हुए हमें नजर आएगा। कई सारी फॉरेन एंटिटीज जो इंडिया छोड़कर कुछ सालों पहले चली गई थी वो फिर से इंडिया में आएगी, साथ साथ जो फॉरेन एंटिटीज हमेशा से वहीं पर फंक्शन करती रही है वो भी कई सारे बेनिफिट्स के कारण यहाँ पर शिफ्ट होगी, ऐसी उम्मीद जताई गई है और ओवरऑल पूरे के पूरे देश की शिपिंग इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा, ऐसा मैरीटाइम क्लस्टर का गोल है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।